पीएनबी न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म आने जा रही है, उनका नाम है मुस्कान शेट्टी। तो मुस्कान जी, हमें ये बताइए, हाउ एक्साइटेड यू आर, आपकी फर्स्ट फिल्म आ रही है वो भी तेलुगु में है, और आजकल टॉलीवुड का मार्केट तो एकदम हाई चल ही रहा है, तो हमें बताइए हाउ एक्साइटेड आर यू? आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस है। बालकृष्ण सर हैं, पूरी जगन्नाथ है, श्रेया सरन है, कायरा दत्त है, मैं हूँ, बहुत सी एक्साइटमेंट है इस प्रोजेक्ट को लेके। सो या 1 सितंबर गाइस। ओके मुस्कान जी, तो हमें ये बताइए, हाँ मतलब एक्साइटमेंट लेवल तो आपकी दिख ही रही है, लेकिन आपकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म है तो काफ़ी थोड़ा स्ट्रेस भी होगा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई होंगी, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए। जी स्ट्रेस तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत एंग्जाइटी ज़रूर है। आई थिंक हम हर फिल्म से, प्रोजेक्ट से लर्न करते हैं, तो अगर कुछ भी है मैं सीखूंगी ही, और बहुत आगे जाना है। सो आई डोंट नो, बट ज़्यादातर तो एक्साइटमेंट ही है, और अभी तक जो रिस्पॉन्स मिला है उसको देख के बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी है। तो हाँ ओके सो हम आपको बता दें, मुस्कान जी इज़ फ्रॉम दिल्ली, सो दिल्ली टू मुंबई ये सफ़र कैसे रहा? जी दिल्ली टू मुंबई सफ़र मैं बोल सकती हूँ एक बहाने के तौर पर, मैं यहाँ आई थी पढ़ने के बहाने के तौर पर, लेकिन मेरी दिली इच्छा हमेशा एक्टिंग की थी। सो ये सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मैंने मुंबई नगरी को अपना बनाया है और इसने मुझे एक्सेप्ट किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी फिल्म आने वाली है, एंड यू ऑल मस्ट वॉच इट। एंड बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं अभी तक ट्रेलर को। आई थिंक 4 आवर्स में 5 मिलियन व्यूज़ एंड वॉट नॉट, राइट नाउ इज़ द नंबर 1 ट्रेंडिंग ट्रेलर, पैसा वसूल। सो आई एम रियली हैप्पी दैट पीपल आर लविंग इट, एंड बाई फार तो बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। अच्छा, पैसा वसूल की बात करें तो इट्स अ तेलुगु मूवी, सो आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ पड़ी होंगी, बिकॉज यू नो आपको वो एक्सेंट पकड़ना पड़ता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत तेलुगु सीखना पड़ता है, तो आपने कुछ सीखा? जी कुंचम सीखा, पर मुश्किल हुई काफ़ी रातों, मैं मतलब रात भर उठकर यू नो अपने स्क्रिप्ट्स पढ़ती थी और लोगों से सेट पर सीखती थी। एक्सेंट पकड़ना मुश्किल होता था, रोती थी, तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन इन दी एंड आई थिंक रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। जिसने भी देखा है दे आर वेरी एक्साइटेड, एंड मेरे लिए एक चैलेंज था, तो वो एक तौर से और एक्साइटिंग चीज़ है कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ जो मेरे से एक्सपेक्टेड ना हो, तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि मैंने एक नई लैंग्वेज में एक्टिंग करी है। मुस्कान जी, हमें पता चला है कि आप एक डिज़ाइनर हैं, मतलब आपने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ था, फिर आपने BMM किया, दैट इज़ बैचलर्स ऑफ मास मीडिया, तो आपने डायरेक्ट शिफ्ट टू एक्टिंग क्यों? जी मेरी दिल्ली इच्छा हमेशा एक्टिंग की थी, मैं फिल्म स्कूल जाना चाहती थी और एक्टिंग परस्यू करना चाहती थी प्रोफेशनली। वो मेरे पेरेंट्स ज़्यादा नहीं चाहते थे, तो उनने मुझे बोला कि और क्या करना चाहती हो, कुछ और कर लो, तो मैंने कहा इंटीरियर डिज़ाइन कर लेती हूँ, तो उनने कहा चलो जाओ। सो मैं अमेरिका गई, आई स्टडीड इन प्रैट इंस्टीट्यूट, आई डिड 1 ईयर कोर्स इन इंटीरियर डिज़ाइन, देन आई केम बैक फॉर माई अंडर ग्रेजुएट, आई डिड बैचलर्स ऑफ मास मीडिया फ्रॉम स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन। मास मीडिया मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक्टिंग से काफ़ी क्लोज है, वो मेरी ही फील्ड का यू नो एक थियोरेटिकल वर्जन है, तो इसलिए मैंने उसमें ग्रेजुएशन करी। लेकिन मेरी इच्छा हमेशा एक्टिंग करने की थी और एक एक्टर बनने की थी। ओके हमने आपको और भी कई सारे कमर्शियल्स में देखा है, जैसे कि मैगी ले लीजिए, पैनासोनिक सिस्का और काफ़ी सारी, तो हमें ये बताइए कि कमर्शियल्स में काम करना वॉज योर फर्स्ट प्रेफरेंस या फिर वो? नहीं, कमर्शियल्स में काम करना मेरा फर्स्ट रेफरेंस नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी सारे ऑडिशंस पे जाती थी, एड्स के लिए तो सिलेक्ट हो जाती थी। मूवीज़ के लिए सिलेक्ट होना काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, लाइक यू ऑल नो, अगर आप एक मूवी इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे इजीली कोई मूवी तो नहीं देता, और मेन लीड तो ज़रूर ही नहीं देता, तो इसलिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। 2-3 साल मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ करे, काफ़ी सारे एड्स करे, प्रिंट्स करे, ज्वेलरी एड्स करे, तो काफ़ी काम किया और फिर जाके मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा, अब बात करें पैसा वसूल की, तो पैसा वसूल कौन से जनर पे, इज़ इट रोमांटिक कॉमेडी, क्या है? पैसा वसूल इज़ अ फुल ऑन धमाका, रोमांस, एक्शन, लव, ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मसाला मूवी, सो यू ऑल हैव टू बी रेडी फॉर इट। इट्स अ फुल ऑन फुल पैक्ड एंटरटेनर,
एंड कमिंग इन थिएटर्स नियर यू ऑन 1st September. इट्स रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड एंड सारी लैंग्वेजेस में डब हो रही है. सो आई होप यू गाइज वॉच इट एंड गिव अस योर लव. सो ओके, जाते जाते कुछ कहना चाहते आपके फैंस के लिए? फैंस आई वुड से दैट फैंस नहीं बोलूँगी, आई वुड से पीपल हु सपोर्ट मी, इनकरेज मी, लव मी एंड कीप वॉचिंग मी, कीप डूइंग दैट बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव एंड पीपल लाइक अस बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू. तो अपना प्यार भेजते रहिए एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस. थैंक यू. तो ये थी मुस्कान शेट्टी हमारे साथ. देखते रहिए BNB News Channel. कैमरामैन मोहसिन के साथ विधि बद्रा, मुंबई.